सतगुरु दिया बताए सिमरान मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए सिमरान मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए सांस सांस सिमरण करो एक दिन गुरु मिल जाए। सिमरण मार्ग सहज का सतगुर दिया बताए सांस सांस सिमरण करो एक दिन गुरु मिल जाए। सब जीव ससुर के देश से आए हैं, वो कहाँ है? त्रिलोकी के पार चौथे लोक में। उसका लिखते हैं, सुन हृदय सतगुरु सहजाने, सतगुरु सतपुरुष को जाने। ऐसा कहा है, चौथे पद में करे निवासा, तीन लोक में काल का वासा। त्रिलोकी तक काल का जाया है जीव, चौथे लोग से आया। अच्छा जब जब तक वहां नहीं पहुंचता मुकम्मल सफर शांति में, जिसके मुतालिक हम रोज पढ़ते हैं वाणी में, नंद दया मेरी माया सतगुरु ने पाया। कहाँ पाया है? नंद दया मेरी माया सतगुरु ने पाया, सतगुरु ने पाया सहज स्थिति सहज अवस्था में। सदगुरु पाया सह स्थिति मन वजिया बधाइया राग रतन परवार पर कुछ शब्द गावनाएं वह अजीत देश है, खुशी का देश है। जब तक वहां नहीं पहुंचे जब तक सुख में एक ही क्लब से करके माने हुआ करते हैं सहज अवस्था सब से पार है। त्रैगुणों में सह न पाइए त्रैगुण परम पुलाए, पढ़िए गुणिया कृथ्य जो मुक्तों पुत्र जाए चौथे पद में सहज गुरु पर ले पाए। सहज का दूसरा मतलब आसान भी है, सब उस देश में पहुंचने के लिए सिमरन आसान से आसान रास्ता है। न घर पर छोड़ने की जरूरत है, न बाबा की छोड़ने की जरूरत है, ये आसान से आसान है जिसको हर इंसान चाहे बीबी है चाहे मर्द है बच्चा है बुढ़ा है बीमार है तंदुरुस्त है सब कर सकते हैं। पढ़ा हुआ है पढ़ा है सब कर सकते हैं, आसान करता है। हम सबको सुनने की आदत है लेकिन हमारा सुन उल्टा है, हमारा सुन उल्टा है। हम दुनिया का स्मरण करते हैं मालिक का नहीं, जिसका स्मरण करते हैं उसका ख्याल रहता है उसी के सोचने, और एक ख्याल ही हम इस रस में लिए फिर रहे हैं उसी का शिक्षण रहती है। पिछले विकारों ने काम को लोग कार ने सबसे नीचे क्लिक कर दी है, इनके समय करते हैं इनके काम करते हैं। एक जिम्मेदार है वो खेती के समय करता है, आज कौन सा खेत में पानी लगाना है, कौन सा काटना है, कौन सा बीज अच्छा है, सिमरन कर करके स्वप्न वही है उसी का रूप बना पड़ा है। इसी दुकानदार है वो देखता है कौन सी चीज महंगी है कौन सी सस्ती है कौन सी नहीं है कौन सी निकालनी है, ये दुकान का रूप बन जाता है। इससे हम दुनिया के रूप बन पड़े हैं।
अगर ये मालिक करूँ, अगर ये मालिक असम करे तो मालिक करू बन गया है। अगर उसका स्मरण करे, उसके स्मरण करने ये जो हमारी दलीलें हैं, सोचना है, कल्पना है, ये स्मरण है। पहले इस सोच सोच के अंदर चीज बसे तब घर बनता है, कल दुकान चलती है ना, इसीलिए स्मरण है। यही बोले ने कहा है, बोले रब दा कि पौना इधर पुटना इधर लाना, दुनिया ख्याल छोड़कर मालिक का स्मरण कर। जब हम मालिक का स्मरण करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ख्याल कम होते जाते हैं, मालिक का ख्याल बढ़ते जाते हैं। ये ख्याल करने से कैसे करते हैं वो, जिन्होंने पाया है, कब सत्संग है भाई, कितने दिन रह गए, चलिए सोच विचार है, वहाँ जाना है, कैसे जाना है, किसके साथ लेना है, चार मिल के जाएं, मजे किया करें। ऐसे करते करते ये भी घर बस जाता, जवान बस जाती, जैसे बाहर गया ऐसे ये ख्याल करते करते ये सिमरना है पहले। फिर जब ख्याल कम हुए, जो जो ख्याल कम होते जाते हैं, मालिक का ख्याल पड़ते जाता है, मालिक के घर का रास्ता खुलता जाता है। इसमें कौन सी ने लिखा है, तुम छवि खाली तो जिक्र खुदा, राह या भी दर हरी में किबरिया, कि जब तू सिमर कर करके दुनिया ख्याल निकाल देगा तो मल के घर का रास्ता मिल जाएगा। दुनिया ख्याल निकालने के लिए, दुनिया के मैल निकालने के लिए सिमर से बढ़कर कोई चीज नहीं। प्रभु के सिमर मन की मर जाए, अमृत ना भेद मैं समाये। जब मैल साफ हुई, मल की नजदीकियां मिल गई, प्रभु के सिमर बस यार मेरे। अगर ये सिमर बच जाए अंदर और कुछ ख्याल न रहे, इसको कोई रोकने वाला नहीं, इसको तो रोक नहीं। जाकर सिमरन राम को तो नर मुक्ता जान, ते नर अंतर नहीं नान सती मान। जब सारे ख्याल निकल जाते हैं, ऐसा ऐसा उसकी निशानी क्या है, जिस सिमरन पे बैठता है, जब जितनी कान खुलने लगती है, हाथ पांव सोने लग जाते हैं, ख्याल अंकों पीछे इकट्ठा होने लगता है, कई किसी रोशनी है, कई किसी आवाजें आने लगती हैं, ये निशानी मिलने लग जाती है। जब यहाँ आया, यहाँ ख्याल इकट्ठा हुआ, वो सतगुरु जिन फकीरों से काम लेता है, इस रूप में आकर मिलता है। ये बाहर ध्यान करते हैं, ये अपनी हद में ठीक है, लेकिन वहां ध्यान की जरूरत है, उस रूप में आकर मिलता है। सबसे मूर्ख पर से संतन की ये ध्यान धरना, अकाल मूर्ख है सात संकित ठहरने की ध्यान को, उसमें ऐसा ध्यान हो कि बाहर को ख्याल ही न रहे, आप छोड़ गुरु वहीं समाये। उस रूप अंदर खड़े हो जाता है, बातें करता है, ऑफिस में लिखा है, आजा वजूदम अमरी गया यार ग्रेट, कि मेरे जिस्म पे अंग अंग पे उस मालिक ने कब्जा कर लिया, रूप ने कब्जा कर लिया है। देखने में मैं वही हाफिज हूँ, लेकिन अंदर वही है। ईशम ने लिखा है कि मैं वो हो गया, वो मैं बन गया, मैं तन बन गया, वो मेरा मालिक बन गया, अंदर वही है, इसका नाम है। लेकिन ये सिमरन जो असली है, वो उन फकीरों से मिलता है जो मालिक की दरगाह से आते हैं। आप किसी सिमरन से भी यहाँ तक आ सकते हैं, अंत तक कोई भी अपने नाम के सिमरन से भी आ सकते हैं, रोशनी भी देख सकते हैं, आवाजें भी सुन सकते हैं, लेकिन आगे धोखे में बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर वगैरह रूप गए हैं। जो असली सिमरन है, उन संतों से मिलता है जो मल के हुक्म से आते हैं, पर वो भागों से मिलते हैं। प्रभु का सिमरन साध के संग, कर्म निदान नानक का रंग, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइए साध के संग। एक जगह और लिखा है, राम नाम गुरबचनी बोलो, संत सवन ए रस तोलो। गुरु का वचन कहाँ है, वो सदगुरु तो सबके अंदर है, जैसे डॉक्टरी सबके अंदर है। किसी बॉडी में काम करती है, बॉडी एक बहाना है, इसी तो सदगुरु सबके अंदर है। वो किसी बॉडी में आता है, आकस में आता है, काम करने वाला वो है, काम करने वाला तो वो सदगुरु एक ताकत है, जो चौथे लोक में रहती है, वो किसी बॉडी में आकर काम करती है। साधु रूप अपना तन धारिया, हमारे पर्ता बड़ा देखिए अपने संत का आवे। उनका जो बताया हुआ सिमरना है,
जब यहाँ आता है वो शुरू करता है, फिर इसको गाइड करता है, हम इसको धोखे हैं। कितनी आवाजें हैं रेडियो में देखो, कितनी आवाजें हैं कलकत्ते की, बम्बई की, इंग्लैंड की, अमेरिका की, इसी तरह अंदर भी हैं, ब्रह्मलोक की, शिवलोक की, इंद्रलोक की, सत्संग की, नामी की, सारी हैं। वो शुरू पाकर से पकड़ लाता है कि ये पकड़ भाई, ये तुम्हारे घर का रास्ता है, इस जमीन से है, ये आसान से आसान रास्ता, न घर बार छोड़ना, न बाल बच्चे छोड़ने हैं, जिन्हें काम भी करने हैं ये करता जाए। उठते बैठते चलते फिरते हमारे पुराना प्रेमी था, रात व्यास की थी, उसका काम क्या था, वो रिसर्च के महकमे में था, ये बहुत पुरानी बात है, लाहौर में था उस वक्त, बड़े हॉस्टल में रहता था। उसका काम क्या था, सुबह उठना, उठ के कुकर खोलने में, दूसरे आजकल तो और तरीके के हैं, वो और थे, जैसे टिफिन कैरियर है, नीचे उसके अंगीठी पानी, ऊपरी पानी डब्बे में, नीचे अंगीठी, उसमें रोटी डाल देनी दो एक डब्बे में, किसी में दाल डाल देनी, किसी में सब्जी डाल देनी, अंगीठी लगाकर बैठ लेना, अपना सुमरन करते रहे, उठे नहाया धोया रोटी खाई चला गए, दफ्तर से आया 4 बजे, दफ्तर से यही काम, फिर उसका काम यही थी। इस कारण से वो दुनिया के काम भी करता है, ये भी कर रहे हैं, उठते बैठते चलते फिर लगे रहे। हाँ जी फिर बोल रहे, हाँ जी सिमरण मार्ग सहज का सतगुर दिया बताए, सांस सांस सिमरण करो एक दिन गुरु मिल जाए। अंदर बड़े धोखे हैं, गुलाम शाह खुद कालपुर का है, जब वापस जाने लगे फिर दिन से घेरना चाहे, देख लो पूरी ताकतों को, वो तो क्या के वक्त से निकल के बाकी किसी ताकत निकल जाए, अंदर निकल धोखे हैं। हाँ हाँ जी हाँ, ज्ञान कथे बात बात मरे काहे करे उपाय, ज्ञान कथे बात बात मरे काहे करे उपाय, सतगुरु ने तो यूं कहा सिमरण करो बनाए। हमें ज्ञान कथने की आदत है सिमरण करने की नहीं, बातें बातें करते हैं सिमरण की, करते नहीं, जितनी बातें करते हैं उतना ही ख्याल हमारा फैलाव में आता है, वही ख्याल हमें बदने बैठने में टिकने नहीं देते। जो कहते सिमरन बनता, बात तो ये है कम बोलो, कम खाओ, कम सो, अपना दुनिया का काम किया, रोटी का बाकी सब कर लो, फजूल बातें करते हैं, देख लो जितनी बातें करते हैं उतना मन फैलाव में है। दादू बाप को आती मन वायु भूत हो जाए, दादू बाप ने बोलिए सज रहे, ये बातें हैं जो इसको बैठने देती, जो कहते मन नहीं लगता, कैसे लगे दुनिया ख्याल आगे पड़े हैं, बातें करते कुछ सामने आते हैं, बातें करते करते हृदय काले हुए पड़े हैं सबके, कभी काला होता है हर दिन चित्रकान, क्या कहिए समझे नहीं दादू से ज्ञान, जब भी बात हो या सिमरन, या तो सिमरन करे, या तो सतगुरु से बात करे, या कभी पुथी पढ़ ली, या चार प्रेम बैठ के बातें कर ली, सत्संग कर लिया, ये है तरीका, जितना करेगा उतना मालिक बसेगा, मालिक के नजदीक ही है। हाँ हाँ जी,
ज्ञान करते आती हैं घर में तकलीफ है ये है दुख सुख भी आने हैं वो भी भोगने हैं वो सभी व्रत रहे क्लेश भी आने हैं जिसको कभी दुख दिया उसे दुख लेना है जब तक दुख नहीं लोगे छुटकारा नहीं जिसको सुख दिया उसे सुख लेना है तुरंत बड़ी बड़ी ताकतों को भोगना पड़ा ये तो रामचंद्र जी जैसों को भोगना पड़ा सोच लो ये भी आना है सब बस अपना सिमर करते जाओ सब कुछ रजा में रहो हाँ हाँ जी ज्ञान कथे बस बात मरे काहे करे उपाय सतगुरु ने तो जैसे घर बसता है देखो कैसे बसता है सारा दिन ख्याल रहता है ये करना है वो करना है इसी से ये भी घर बसता है सतगुरु ने तो कबीर सिमरण सार है और सकल जान जाल फैसला कर दिया सिमरण सार वस्तु है जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरण तुलना ना है चिंता में कोई चीज नहीं हाँ हाँ जी कबीर सिमरण अगर ठीक से में मिल जाए उसे काम क्या है सब कुछ छोड़ दे कर्म धर्म जाप ताप सब छोड़ दे एक सिमरन को पकड़ ले बस ये हमारा जन्म नहीं मुका सके करती आए हैं कुछ शांति नहीं दे सके यही पर्सन ने कहा है कर्म धर्म सब छोड़ के बड़े शरण में जाए बड़े शरण में जाए ताज बल बुद्धि चतुराई जब तक संयम नेम आचार नहीं कुछ भाई नमस्कार लिखा है प्राणी बहन ऐसे डाले हैं काल ने प्राणी रीतों के वहम ऐसे डाले हैं प्राणी रस्म रिवाजों के ऐसे वहम डालते हैं जिससे निकलते ही बार बार खेचते हैं सास वाले कहते हैं ये कर ले वो कर ले ले लो गुणांतर में लिखा है कितमो डूबा संसार तुम कोई उतर पार इतमो फिर जुनी पाए मोहे लागा जम पर जाए गुर दिख्या ले जब तक कमाए ना मो टूटे ना था पाए नजर करे ता ए मो जाए ना निखर से रहे समाए कि काल ने ऐसे जीतों वगैरह के फसाया है कि निकलते नहीं ख्याल है हम गए कोट पुतली वहाँ एक आदमी आया कहना गई ये हमारी रीत परंपरा से चली आ रही है हमने कहा ये तो ठीक है रीत तो परंपरा से चली आ रही है परंपरा से चुराती में धक्के खा रहे हैं उस सब को बंदोबस्त करना है कि नहीं रीतों को करना है रीत वो है जिसके मालिक का प्यार उठे तड़प उठे प्रेम उठे हमें शांति आए जालो ऐसी रीत जितना प्यारा बिस्तरे नानक खाई भरे रीत जिस हर तिथि पत रहे ये मुसलमान फिर कहते हैं उस रीत पे कुर्बान हो जाए जिससे मालिक का प्रेम उठे तड़प उठे लगन लगी रहे वो रीत है सारे छोड़ दे बस वहम इसके निकलते ही नहीं सब वहम छोड़ दे बस सिमरन को पकड़ ले फिर देखो कैसी शांति आती है हाँ हाँ जी कबीर सिमरन सार है और सकल जान जाल नाम लेकर इधर होता है फिर दुख भी उठाता है फिर आना पड़ते थी लाइन पे
ਦੁੱਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਤੇ ਹੈ ਦੌੜਦੇ ਹੈ ਬਸ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀਏ ਵਹੀਂ ਜਾਓ ਜਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹਾਂਜੀ ਕਬੀਰ ਸਿਮਰਨ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕੇ ਵਹਿਮ ਮੈਂ ਡਾਲ ਦੀਆ ਬਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਹਾਂ ਤੁਮ ਜਾਤੇ ਵਹੀਂ ਜਾਓ ਯਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦੀਏ ਯਾਦ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਬੜ ਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਸਨ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਸਭ ਤਾਲੀਮੋ ਕਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਬਸ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਦਦ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਲ ਠੀਕ ਰੱਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਬੀਰ ਸਿਮਰਨ ਸਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਕਲ ਜੰਜਾਲ ਆਦ ਅੰਤ ਮਦ ਸਿਮਾਰਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰਮ ਜਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰਮ ਜਾਲ ਨਿਜ ਸੁਖ ਆਤਮ ਰਾਮ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਦੁਖ ਪਾਰ ਨਿਜ ਸੁਖ ਆਤਮ ਰਾਮ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਅਪਾਰ ਮਨ ਸਾਚਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਬੀਰ ਸਿਮਰਨ ਸਾਰ ਸਿਰ ਜਬ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੀ ਜਬ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਮਨ ਸੇ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕਰ ਸੁਣਦਾ ਮਨ ਸਾ ਬਾਚਾ ਮੂੰਹ ਸੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਤੋ ਸਿਮਰ ਕਾ ਯਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਯਾਦ ਆਏ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਮਾ ਕਹਿ ਲੋਚਨਾ ਮੁਖੇ ਰਾਮ ਸੁਮਾਰ ਆਤਮਾ ਕਰ ਕੰਮ ਸਭ ਚੀਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕੀਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਹਰ ਵਕ ਖਿਆਲ ਉਸੀ ਤਰਫ ਰਹੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਗਨ ਹੈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਤਾ ਹੈ ਯੇ ਲਗਨ ਸੇ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਉਸਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਰੁਕਾਵਟੇ ਵੀ ਆਤੀ ਹੈ ਲੈਣੇ ਲੈਣੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨਿਜ ਸੁਖ ਆਤਮ ਰਾਮ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਦੁਖ ਅਪਾਰ ਮਨ ਸਾ ਬਾਚਾ ਕਰ ਕਬੀਰ ਸਿਮਰਨ ਸਾਰ ਕਬੀਰ ਸਿਮਰਨ ਸਾਰ ਦੁਖ ਮੇ ਸਿਮਰਨ ਸਾਬ ਕਰੇ ਸੁਖ ਮੇ ਕਰੇ ਨ ਕੋਏ ਦੁਖ ਮੇ ਸਿਮਰਨ ਸਾਬ ਕਰੇ ਸੁਖ ਮੇ ਕੋਏ ਜੇ ਸੁਖ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਸੋ ਦੁਖ ਕਾਹੇ ਹੋਏ ਸੁਖ ਮਾਇਆ ਕਾ ਜਾਲ ਹੈ
करते हैं सुख हो जाए स्मरण करेंगे कभी नहीं कर सकते। जितने सुख हैं माया का जाल है, जितने सुख संसार के सभी माया जाल। सामे दो कंका दरे एक वृद्ध किनार। सुख में तो ऐसे भूल जाता है, दुख में फिर भी याद आता है। और नहीं तो ये तो कहता है कि मालिक मुझे आराम दे, फिर भी तो मालिक याद आया। देख लो सुख में तो ऐसे भूल जाता है। तो क्या कहते कबीर साहब आगे? हाँ वाणी में भी लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर के खोले हैं व्यापन सदे लोग बेमुख हुए राम के लगन जन्म हो जो कभी फिर रहे धक्के खाते उसको याद ही नहीं होता। हाँ हाँ जी सुख में सिमरण ना किया दुख में करता याद सुख में सिमरण ना किया दुख में करता याद कहीं कबीर सदा माल ने सुख भी दिया फिर ना करे दुख में याद करे कल सुने ना सुने माओ जाए की बात है। उस पर पाकिस्तान के हमले का खतरा था, वहां फौजी उतरी हुई थी साथ, कई अफसर आने लग गए, एक दिन कर्नल आ गया, कहने लगे जी हमारा कर्नल है। इंसान जी कहने कंगाल 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 देखने लगा, कहने देखो भाई तुमने सबका अफसर बनाया। हाँ जी सारे तेरे मतायत हैं। हाँ जी तुम्हें तनख्वाह ज्यादा मिलती है। हाँ जी नहीं लो सारे सुख हैं तुम्हारे पास। हाँ जी कभी मालिक याद किया? मालिक की दुर्गा में तो कंगाल है, मालिक की दुर्गा में तो कंगाल है। सोचो इधर पीरों की तालीम ही यही है, अभी सुन छोड़ो पकड़ो इसको। सुख में तो ऐसे भूल जाता उसको याद ही नहीं था। एक इधर एक दफा बागर से आए रात को नौर में ठहरे, कहना जी कुछ टाइम दे दो मजलिस का। अच्छा भाई प्रेमी आ गया, कुछ एक नया ही आदमी था, पूछे ये कौन है? कहना जी मैं बिल्डर का मैनेजर हूँ। क्या काम करता है? ये काम करता हूँ। कितनी तनख्वाह मिलती है? 2000। क्या करता है? कैसे खर्चे देते? कपड़े में खाने पीने में खाया पिया टट्टी हो गया, कपड़ा बहुत फट गया, तेरे पल्ले क्या पड़ा? आज तो तनख्वाह करवा ले, आधा वक्त मालिक के भजन में दे, सास उसमें आते थे सिमर करे इसको शांति, फेरा शांति वक्त कहीं शांति नहीं। अगर अंदर सिमर करके नाम को प्रकट कर ले इस जैसी तो बात ही नहीं। अगर सिमर करे इसके अंदर शांति आती, सब भूखे मिट जाती हैं, किसी चीज का ख्याल नहीं रहता। करके देखे सही उसमें भी ऐसा रहता है जिन्हें फिर रात फीके लगने लग जाए, लेकिन है वो टेम्प्रेरी जितना देर करता है वो छोड़ा फिर वही हाल लगा रहे। हाँ हाँ जी सुख में सिमरण सुख में सिमरण ना किया दुख में करता याद कहे कबीर सदा किया कौन सुने भारी याद कौन सुने भारी याद सिमरण मार्ग
दुख के माथे सिला पड़े जो नाम हृदय से जाए दुख के माथे सिला पड़े जो नाम हृदय से जाए बलहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटा पल पल नाम रटा कैसे क्या लेना है जो मालिक को बुलाए वो दुख की घड़ी के लिए लिखा दुख की घड़ी के लिए मैं जानो मालिक को याद आता है मालिक को याद रहा वही सुख देने वाला है सुन ले पलटू भेदे हंस को दे भगवान दुख के भीतर मुक्ति है सुख में नर्क निदान सुख में तो ऐसे भूल जाता है और विषय विकार में फंस जाता है यदि कहता है सुख हो ये और फंस जाता है दुख सुनिश्चित घड़ी है उसे मालिक याद आता है हाँ कैसे को क्या करना है जिसे मालिक भूल जाए हाँ जी दुख के माथे सिला पड़े जो नाम हृदय से जाए बलहारी दुख की जो पल पल नाम रटाए थोड़ा सिमरण बहुत सुख जे कर जाने थोड़ा सिमरण बहुत सुख जो कर जाने कोए हर दी लगे न फट करी चोखा ही रंग सिमरन में ही सुख है और इससे कोई कीमत नहीं जिन कुछ लेते नहीं मुफ्त देते हैं फिर भी कोई नहीं करता ना घर वाले चुराते हैं ना बाल बच्चे चुराते हैं वो हमें रहने का तरीका बताते हैं क्या कैसे रहे माँ की मौत में बच्चा पैदा हो गया लड़का है या लड़की उसकी मौत बीमार हो गया उसकी मौत राजी हो गया उसकी मौत मर गया उसकी मौत थोड़ा दे दिया उसकी मौत ज्यादा दे दिया उसकी मौत उसकी रजा में रहे जैसे रखे अपना सुन करे बस ये चाहते हैं घर बार नहीं चला दे कुछ नहीं जिसको दुख दिया उसे दुख लेना जिस सुख दिया सुख लेना ये कर्म करने हैं ये रहने का तरीका है अगर रजा में रहे इसको कोई तकलीफ नहीं आती रजा में रहता नहीं ये क्यों हो गया वो क्यों हो गया फलाना क्यों तरक्की कर गया फलाना ऐसी सब करके मर गई हाँ हाँ जी थोड़ा सिमरण बहुत सुख जो कर जाने कोए पहले तो दुखाते नहीं सिमरण वाले को एक बार जो प्रलब कर्म है वो भी आसानी से भूल जाते हैं क्योंकि दिल पावर बढ़ जाती है इसको महसूस ही नहीं होता दुख हाँ हाँ जी थोड़ा सिमरण बहुत सुख जो कर जाने को ए, हर दी लगे ना फट करी चोखा ही रंग होए देखो खाट पे पड़ा मैं बीमार हूँ सिमरन नहीं होता देख लो बातें करते खाट पे उसी खाट पे पड़ा है बीमार भी है दुनिया का सिमरन याद है बच्चे कहता है ये फलाना काम करा वो याद है ये मालिक का सिमरन नहीं याद
ਦੇਖ ਲੋ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੇ ਯਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁਆ ਉਸਕੋ ਬੁਲਾਇਆ ਜਬ ਵਹਾਂ ਗਿਆ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਰਤ ਯੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫਟ ਗਿਆ ਅੰਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪੜਾ ਪੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਦੇਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਕੇ ਕਾ ਨਾਮ ਪਾਸ ਲੜਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਕੇ ਨਾਮ ਲੇਕਰ ਫਲਾਣਾ ਖੇਤ ਯੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਬੋਲੋ ਯੇ ਯਾਦ ਹੈ ਮਾਲ ਕੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਹਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਯਾਦ ਹੈ ਵੋ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸਕੇ ਲਈ ਸੁਖ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ਰਾਜੀ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਦੁੱਖ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪਕਾਣੇ ਪਿਆ ਚਲਤਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪੱਕ ਜਾਤਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਰਨ ਸਿਓ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨ ਸਿਓ ਸੁਖ ਹਾਤ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਸਿਓ ਦੁਖ ਜਾਏ ਸਿਮਰਨ ਸਿਓ ਸੁਖ ਹਾਤ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਸਿਓ ਸੁਖ ਹਾਤ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਸਿਓ ਦੁਖ ਜਾਏ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨਕੇ ਭੁਗਤਣੇ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਆਤੀ ਹੈ ਯੇ ਆਸਾਨੀ ਸੇ ਕੱਟ ਜਾਤੇ ਹੈ ਮੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਆ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਰਾਮੇ ਰਾਮ ਰੱਟੇ ਰੱਟੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਕੋਟ ਜਨਮ ਸੇ ਜਨਮ ਹਾਂ ਕੋਟ ਪਾਪ ਕਟੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਵੋ ਸਭ ਵੋ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਲੱਗ ਜਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਰੇ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਸਿਓ ਸੁਖ ਹਾਤ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਸਿਓ ਦੁਖ ਜਾਏ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਏ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਤਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਕੇ ਲਈ ਸਭ ਕਾਟੇ ਤਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਗਰ ਫਾਟੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰਮ ਪੜੇ ਹੈ ਇਸਕੇ ਉਸਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਬ ਸੇ ਬਿਛੜੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਮ ਮੈਂ ਹਮਾਰਾ ਕਿਤਨੇ ਆਦਮੀ ਕਦ ਪੜਾ ਹੋਗਾ ਕਿਤਨੇ ਕੋ ਖਾਇਆ ਕਿਸੇ ਕੋ ਖਿਲਾਇਆ ਕਿਸ ਕੋ ਦੁੱਖ ਦਿਆ ਕਿਸ ਕੋ ਸੁੱਖ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸ ਸੁੱਖ ਲਿਆ ਕਿਸ ਦੁੱਖ ਲਿਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਪੜ ਗਏ ਕੋਈ ਕਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਕਹੀਂ ਕਬ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋਏ ਦੇਖ ਲੋ ਕਬ ਖਤਮ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ 100 ਜਨਮ ਕਾ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਦਾ ਹੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ 106 ਜਨਮ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਆ ਤਾਂ ਉਸਕਾ ਬਦਲਾਅ ਗੁਜ਼ਰਾ ਇਤਨੇ ਕਰਮ ਪੜੇ ਹੈ ਜੋ ਫਕੀਰੋਂ ਵਾਲਾ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ ਇਸੇ ਸਭ ਕੱਟਦੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਇਸ ਭੁੱਲ ਜਾਤੇ ਹੈ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੜੇ ਹੈ ਹਾਂ ਅਗਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਸੋ ਸੁਖ ਹਾਤ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਸੋ ਦੁਖ ਜਾਏ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਏ ਸਾ
आप संजम साधवा जप ताप संजम साधवा सब कुछ सिमरण माहे जप ताप संजम साधना सब कुछ सिमरण माहे कबीर जाने पगा जितने जब तक साधना है सुन के बगैर सब बेकार है। क्योंकि तुम सर्वे किए सुवीर जाने भक्त जन सब सुन मैंने बन जाता है संतन को बोल हाँ सुनो बोल श्याम गुर का वचन वचन वही बोल चलो बोल गुर का वचन बोल हाँ गुर का वचन वचन चलो ही बोल संतन को आनंद हाँ संतन को आनंद सगल ही जाई आनंद सगल ही जाई आनंद सगल ही जाई ग्रह बहार ठाकर भगतन का ग्रह बहार ठाकर भगतन का रावर सर्व ठाई रवरे हा सर्व ठाई हाँ बोलो संतों ने उसमें करके आनंद लिया है जो उसको कर्तव्य तजर्बे वाला है जो कर्तव्य वो भी आनंद में रहता है हाँ हाँ जी उसको भी आनंद मिलता है उसको भी सुख मिलता है हाँ हाँ जी बोल हाँ बहुत अजीब हाँ जो सुनने का था जहाँ सुनने ठीक वह मालिक आता हर सुन में आपने कहा है वो साथ साथ है हाँ हाँ जी ताको कोई पहुँचन हारा जाके अंग गोसाई जाके अंग गोसाई गुरु का वचन बसिया जम की त्रास मिट जिस सिमरत नानक नाम से आई नानक नाम से आई ज्ञान सुनना सतगुरु साथ साथ रहते हैं कर्म कर्म से संभाल करता है कर्म भी कटवा लेता है आसानी से मगर कर्म कर्म से संभाल करता है इसके सारे काम करता है जैसे मीरा का जहर भेजा अमृत बन गया शाम भेजा हार बन गया कल आरती समाज की इसे वो भी करता है वो हर वक्त साथ है जहाँ समय वहां मालिक आप है उस समय कैसी तारीख उन्होंने तजर्बा किया क्यों ने क्या लिखते हैं हम दादी साहब हाँ तो बातों बातें बाहर का समय बाहर की बातें हैं तजर्बे वाली नहीं फकीरों के पास तजर्बे वाली है हाँ। सच्चा सिमरन या गुरु मंत्र कैसा होता है और उसके जपने से
क्या लाभ मिलते हैं? इसी तरह ये भी है, भक्ति भी होती है। हाँ। यह मंत्र जन्म मरण के फंदे काट कर अमर कर देता है, दो दिली की हालत को मिटाकर सदा एक रस हालत में रहने वाला बना देता है, सबसे निर्भय कर देता है और राम बना देता है। यानी जिस तरह लकड़ी में आग रमी होती है उसी तरह आत्मा को सब जगह रमा देता है और आत्मा को निज स्वरूप में मिला देता है। यह मंत्र सदा की जिंदगी प्रदान करता है और खुद बल वाला बना देता है, आत्मा को सुंदर बना देता है, सबका शिरोमणि यानी सबसे बड़ा बना देता है और ऊंची पदवी को पहुंचा देता है, निर्मल और पाक कर देता है और निरंकार की प्राप्ति करा देता है। उसको जपने वाला अलग यानी किसी के लखने से परे हो जाता है, अकल कुल हो जाता है यानी सब अकलों का मालिक बन जाता है, उसकी तह तक कोई नहीं पहुंच सकता, उसका कोई पार नहीं पा सकता यानी ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां कोई नहीं पहुंच सकता, उसका कोई अंत नहीं पा सकता और वह कुल का स्वामी बन जाता है। यह मंत्र आत्मा के अंदर नूर पैदा करता है, उसके तेज को बढ़ाता है, उसके अंदर ज्योति को प्रकट करता है और अंदर प्रकाश कर देता है, सभी स्थानों पर सहायता करता हुआ परम धाम पहुंचा देता है, करने वाला हो। हाँ। सतगुरु के हुक्म का दीक्षा रूपी उपदेश ऐसी शक्ति रखता है। गुर का वचन बस जिया नान, गुर का वचन बस जिया नान, जल नहीं डोबे संस्कार नहीं लेवे, पाए न साके जाले, पाए न साके जाले, गुरु का वचन बसे जिया नाल, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सांस सांस समाले, सांस सांस समाले, गुरु का वचन बसे जिया नाले, गुरु का वचन बसे जिया नाले, गुरु का वचन बसे जिया नाले। काल और माया भी इसके नजदीक नहीं आ सकते, ये सबको खा रहे। हाँ। बोल पर इन दे। हाँ। गोसाई तुलसीदास जी फरमाते हैं, काल और माया सच्चे सिमरण या गुरु मंत्र के अधीन है। यह सच्चा सिमरण या गुरु मंत्र एक पुतली की न्यायी है जो देखने में तो आश्रयहीन मालूम होती है मगर उसके पीछे एक अदृश्य तार होती है जो नचाने वाले के हाथ में होती है। इसी तरह गुरु मंत्र का और गुरु मंत्र देने और दिलाने वाले का संबंध होता है। सतगुरु हुकम में जड़ा है कि किरण से दिता जांदा उस सारे जो साथी है उस मौला है जेड़ा सतगुरु के हुकम दा सुनना है, किरण से दिता जांदा है वो हर वक्त नाल है।
ਹਰ ਵਕਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਹਾਥ ਮੇ ਹੈ, ਯਹ ਸੱਚਾ ਸਿਮਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਹੈ, ਸੂਲ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਬਚਨ ਹੀ ਉਸ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ, ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ, ਪਾਗਰ ਮੁਕਤ ਜਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਮੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਯਹ ਸਿਮਰਨ ਜੀਵ ਕਾ ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਹੋ ਜਾਂ ਬੀਆਬਾਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਤਾ, ਔਰ ਯਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਵਹੀਂ ਆ ਪਹੁੰਚਤਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਯਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਸੋਏ ਹੋਏ ਪੁਰਖ ਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੋ ਤੋ ਵਹ ਜਾਗ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸਦਾ ਜਾਗਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਪੁਕਾਰੇ ਤੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਵਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੇ ਆਇਆ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਬ ਵੀ ਉਸਕੋ ਪੁਕਾਰੋ ਜਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਾਲ ਔਰ ਜਮਦੂਤ ਭਾਗ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਜੀਵ ਕੇ ਰਾਸਤੇ ਮੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਡਾਲਤੇ। ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਜਮਦੂਤ ਆਏ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਯਹਾਂ ਸੇ, ਹਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੇ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਾਥ ਜਾਏਂਗੇ, ਦੜਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਾਲ ਦੇ, ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਮੇ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਸੰਤ ਚਰਨ ਕੇ ਦਾਗੀ, ਇਨ ਤੇ ਕਾਲ ਦੂਰ ਹੋਏ ਬਾਗੀ, ਜਮ ਕੀ ਜਾਲ ਨਿਤਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਮਾਰਗ ਛੋੜ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਰਬ ਬਰੋਜੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਮਰ ਸ਼ਬਦ ਮਾਲੂਮ, ਕਿ ਬੂਤ ਸਤਨੇ ਤੇ ਦੇਹ ਸਾਹਿਬ ਦਰਵੇਸ਼ੀ, ਕਿ ਜਬ ਤੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਸਮਰਾਏ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਸਕੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਬਲਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ ਜਪ ਜਪਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵਾਕੇ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਕਾਲ ਸੇਵਕ ਪਗ ਤਾਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤਾ, ਨਾ ਭੂਤ, ਨਾ ਪ੍ਰੇਤ, ਨਾ ਜਾਦੂ, ਨਾ ਤਾਵੀਜ਼, ਨਾ ਦੇਵੀ, ਨਾ ਦੇਵਤਾ, ਨਾ ਕਾਲ, ਔਰ ਨਾ ਮਹਾਕਾਲ, ਕੋਈ ਉਸਕਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਲਈ ਤੁਮਾਰੋ ਨਾਮ ਚਾਹੇ ਕੋ ਬਾਰ ਨਾ ਬੰਕੇ, ਖੁੱਲੇ ਬੰਦ ਵੇ ਜਾਈ, ਤਿਨਕ ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਕਾਕੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਨਾਮ ਸੁਣ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੇ ਬੀਚ ਫਿਰੇ ਨਾ ਨਾਨ ਦਹਾਈ। ਗੁਸਾਈ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣੇ ਮੇ ਮੰਤਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸਕੇ ਵਸ ਮੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਸਭੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਵਸ ਮੇ ਤੁਮਨ ਕਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਤੀ, ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਡਾਲ ਦੇਤੇ, ਯੇ ਕਰ ਲੋ ਵੋ ਕਰ ਲੋ, ਜ਼ਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਯੇ ਕਰ ਲੋ ਵੋ ਕਰ ਲੋ, ਫਿਰ ਪਿਛਾਤੇ ਹੈ, ਤੁਮਨ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਛੋੜ ਦੋ, ਬਸ ਇੱਕ ਪਕੜ ਲੋ। ਹਾਂ ਬਸ, ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਬਸਨ ਜੀ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਓ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਨ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਨ। ਸੁਖੀ ਰੰਗ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਥਾ, ਕਿ ਵਹਿਮ ਪੜੀਏ ਦੁਨੀਆ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤੋਂ ਮੇ, ਔਰ ਨਿਕਲਤੀ ਨਹੀਂ ਵਹਿਮ, ਇਤਮੋ ਡੁੱਬਾ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਉਤਰ ਪਾਰ, ਇਤਮੋ ਫਿਰ ਜੁਨੀ ਪਾਏ ਮੋਹੇ ਲਾਗਾ ਜੰਤਰ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਦਿਖਿਆ ਲੈ ਜਪ ਤੋ ਕਮਾਏ, ਨਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਥਾ ਪਾਏ, ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਹ ਜਾਏ, ਨਾਨ ਖਰਚੋ ਰਹਿ ਸੁਣਾਏ, ਮਾਲ ਕੇ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਵਹਿਮ ਨਿਕਾਲੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਦਾਦੂ ਮੇਰੀ ਕਾ ਹੈ, ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਤਾ ਹੁਆ, ਮਦਦ ਕਾ ਮੇ ਲੈ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਜਤ ਕਤ ਮੋਹੇ ਰਖਵਾਲੇ, ਜਤ ਕਤ ਮੋਹੇ ਰਖਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਚਨ ਬਸੈ ਜੀਅ ਨਾ।
बचन बचा जियाना ने गुरु का बचन बचा जियाना निर्धन को धन निर्धन को धन अंधले को टीका मात दूध जस बाले मात दूध जस बाले बच्चा माँ के दूध से पलता है तो ताकत मिलती है, इसी जमीन से भी आत्मा को ताकत मिलती है। माँ दूध जैसे पाले हाँ जी निर्धन को धन अंधने को टीके मात दूध जैसे बाले मात दूध जैसे बाले गुरु का वचन बस जियाना गुरु का वचन बस जियाना गुरु का वचन बस जियाना सागर में बही था पायो हर नानक सागर में बही था पायो हर नानक करी कृपा कृपाले करी कृपा कृपाले गुरु का वचन बस जियाना जगह जगह सहायता करता है पर सुन करे जल्दी का काम नहीं है समझे हाँ। जिन्हें चाहते दो दिन में बन जाए काम ये मुद्दे लगती हैं समझते के लिए लिखा है कि आदमी को इंसान बनने के लिए 100 साल चाहिए। फिर कहता है मुसलमान बनने के मुसलमान कहो मोम कहो गुरु कहो 100 साल फिर चाहिए। डॉक्टर इंजीनियर के लिए कितना टाइम लगता है हाँ क्या कहते हैं कमल तबरेज साहब बंदगी पर जोर देते हुए फरमाते हैं कि शराब का सीरा तब बनता है जबकि मुद्दत तक उसका खमीर मटके के अंदर पकता रहे। अगर तू दिल के अंदर उस इलाही खुदाई शराब का नशा पाकर उसको रोशन करना चाहता है तो कुछ ना कुछ अमल करता रहे अमल करता रहे जल्दी का काम नहीं है हाँ, 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 लगा रहे हाँ, हाँ जी पाए कृपाल दयाल गोविंदा आठ के पास बैठो कि ना कुछ एक आएगा पानी पतला और ठंड आएगी फूट के पास एक और खुशबू आएगी ये सिमरन करो कि ना तो जरूर क्या टूटा फूटा जरूरत होगा हाँ हाँ जी खाली नहीं जाता हाँ जी पाए कृपाल दयाल गोविंदा अमृत सिंचाई अमृत सिंचाई जब ख्याल निकले अंदर गया अमृत आने लग जाता है शांति आ जाती है। मीरा ने भी यही कहा है मैं से स्मरण किया है स्मरण करते करते ख्याल निकले अमृत आ गया अब कौन छोड़े उसको कण कटोरे अमृत भरे जीवित कौन नटे हाँ जी कृपाल दयाल गोविंदा जो कहते सुनने बनते जल्दी का काम नहीं जैसे भी लगे रहो उल्ट पुलट जब रामी टेढ़ा सीधा हो या का फल नहीं जाएगा कैसे लोग
लगे रहो ऐसा ऐसा बनता है। पै कृपाल दयाल गोविंदा अमृत हृदय सिंचाई अमृत हृदय सिंचाई गुरु का वचन बस जियना नवनिध हरिध सिध हर लाग रही जन पाई हर लाग रही जन पाई खुद से बरकते हैं इसमें हर काम में मदद देता है इसमें हृदय सीधे पीछे बरकते हैं। हाँ जी नवनिध सीधा सीधा हर लाग रही जन पाई हर लाग रही जन पाई गुरु का वचन बस जियना संतन को आनंद सगल ही जाई आनंद सगल ही जाई आनंद सगल ही जाई का वचन बस जियाना। चलो ये बोल अगे। हाँ जप ताप संयम साधना सब कुछ सिमरण माहे कबीर जाने भगत जन सिमरण सम का चुना कामी सिमरण करे पावे उत्तम धाम नह कामी सिमरण करे पावे अचल मकाम सहकामी सिमरण करे पावे उत्तम धाम नहकामी सिमरण करे पावे अचल मकाम सिमरण करे कोई खर्च ना रखे मालिक को मांगे बस गर्ज रखता है वो गर्ज पूरी कर देता है
से परे हो जाता है उसी को मांगे, अगर उसी को मांगे सीधा मालिक दरगाह में जाए। एक बादशाह था वो बाहर गया, जब वापस आने लगा छह सात रानियां थी सबको देख भेजा किसी ने कोई चीज मंगानी तो मंगा लो, सब ने लिख दिया किसी ने कि हमें ये लिया, किसी ने ये लिया, किसी ने ये लिया। एक छोटी चीज उसको कमली कहते थे पागल, वो कहने मुझे तो किसी चीज जरूरत नहीं तेरी जरूरत है। वो आया सब कुछ चीजें दे दी, वो उसके पास चला गया, उसके पास सब कुछ आ गया। अब उसको मांगे तैयार खड़ा है हर चीज, उसको मांगता कोई नहीं, चीजें मांगते हैं। ऐसी दुनिया भाई दीवानी भक्ति भाव में दीजे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही कि साईं दीजे जी, कोई आवे दुख का मर हम पर कृपा दीजे जी, कोई करावे ब्याह से आई भेंट रुपया लीजिए जी, सांस का पुगा कहें झूठे जग दीजिए जी, कहें कि सुनो साधन दो दीजिए जी, उसको मांगे तो खड़ा है सब कुछ है। ये दुनिया की चीजें मांगता है, जिससे पूछे ये हो गया, ये दुख दूर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बेटा मिल जाए, वो चीज मिल जाए, बस ये मांगते हैं। हाँ जी उसी को मांगे बस। सहकामी सिमरण करे पावे उत्तम धाम, सहकामी सिमरण करे पावे अचल मकाम। राजा राणा राव रंग बड़ा जो सिमरे नाम, राजा राणा राव रंग बड़ा जो सिमरे नाम, कहीं कबीर सबसे बड़ा जो सिमरन है काम। जो भी नाम जब तक बड़ा है बस सबसे बड़ा वो है जो बेगर्ज होकर सुन रहे हैं। राजा राणा राम रंग बड़ा जो सिमरे नाम, कबीर सबसे बड़ा जो सिमरन है काम। साई यूं तुम जानियो अघट प्रीत रहती, मरू तो तुम सिमरत मरू जीवत सिमरू नी। मालिका की प्रार्थना करते हैं क्या कि तेरी पीठ टूटे ना सिमर न छूटे, बस दिन प्रात लगा रहूं, मरू तो तुम सिमरत मरू जीव तो सिमर नित लगा रहूं, बस ये ना भूले। ये साक्षी है सत्य, बस कोई साक्षी नहीं आगे सुनने नहीं इस्तेमाल करने बाकी जी नहीं। हाँ हाँ जी सिमरण की सुध यूं करो क्यों गागर पानी हार। अब तरीके तरीके समझाते हैं कि सिमरण करने से दुनिया कामों में हर्ज नहीं होता, ऐसे करो ऐसे। हाँ सिमरण की सुध करो योगागर पानी हार, आले डोले सुरात में कहे कबीर विचार। दीदियाँ जाती हैं पानी लेने के लिए, सिर पे दो दो घड़े भी हैं, साथ बच्चे भी हैं, बातें भी करती हैं, लेकिन गागर का पानी हिलने नहीं देता।
जिसे दिने काम भी करे लगा रहे साल उसी तरफ रहे। हाँ हाँ जी सिमरण की सुध करो सौदागर पानी हार हाले डोले सुरात में कहे कबीर विचार अण की सुध यूं करो जैसे कामी काम कहीं कबीर पुकार के तब प्रगटे निज नाम। फिर दूसरी मिसाल देते हैं जैसे मैं ऐसे करो जैसे किसी का बीबी से प्यार हो जाए और उसी का ख्याल रहता है उठते बैठते चलते फिरते सुपनों में ही ख्याल रहता है। अगर ऐसा समय हो जाए याद है देख लो इतना है यहाँ तो है। अगर ऐसा समय हो जाए तो उनके नाम प्रकट हो जाए कई प्रेमियों का देखा है अगर ऐसी लगन लग जाए उनको अंदर दर्शन हो जाते हैं कई तो आवाजें आने लग जाती हैं कि अंदर जाने पे है लगन पे है जितनी लगन उतनी नजदीक ये लगन पे है। हाँ हाँ जी सिमरन की सुध क्यों करो की कहानी आती है दीदी के इश्क में मिली है आगे दरिया में चला जा रहा था उसको पकड़े बाहर निकल गया। अब छत पे चढ़ना था सांप लगता उसको पकड़ के ऊपर चढ़ गया बारिश हो रही थी देखो ये लगन है खूब बारिश हो रही है दीदी ने देखा हो कहने लगी अगर ऐसा प्रेम मालिक का होता पता नहीं क्या बनता बस उसको चोट लाके तो रास्ते में रुकावट पड़ी ऊपर भी चढ़ गया पानी से भी निकल गया कुछ स्मरण करने वाला हो लगन से सब जितनी रुकावटें सब दूर होती जाती है। हाँ हाँ जी कहे कबीर पुकार के तब पर गटनी जनाम सिमरण की सुध क्यों करो जो सुर भी सुत माहे कहे कबीर चारा चरत उसको पानी ले जाता है बार बार बच्चे की तरफ आती है उसको आने नहीं देता चढ़ती हुई फिर वही ख्याल है हर वक्त ये ख्याल रहता है मैं दौड़ कर वहीं जाऊँ रुकावटें हैं आ नहीं सकती जब शाम को आई फौरन बच्चे के पास आएगी। इसी तरह दुनिया काम करते हुए रुकावटें भी पड़ती हैं डॉक्टर में बैठा सुन करता है काम भी आता है रुकावट भी पड़ती है और कोई काम कर रुकावट भी पड़ती है। अगर ख्याल वहाँ है जाए की तरह तो शाम को जब बैठेगा रूह उपर जाएगी कई दफा थोड़े से ऊपर चढ़ी जाती है। हाँ हाँ जी सिमरण की सुध यूं करो जो सुर भी सुख
कबीर बिसरे नहीं, पल पल लेता संभाल संभाल आदमी है, पैसे जमा करता हर वक्त ठीक है, रहता कि काम ना हो जाए। एक मिसाल है कि तीन चीजें निशापुर बलोचिस्तान में है जगह, वहाँ एक फकीर था भक्ति भाव वाला, इसी तरह एक कंगाल लालची आदमी, उस लालची आदमी की मिसाल लिखी उन्होंने कि पैसे गिनता गिनता उसमें मगन रहता था, पैसे गिन रहा था, भूख का ख्याल हुआ, नौकरानी करने लगा, रोटी ले आया, वो रोटी ले आई, ये अपने गिरने में मगन रहा, वो जानती थी उसकी आदत को, वो उठा उठा कर ले गए, उसने फिर कहा रोटी ले आया, वो तो रोटी ले आई, ये मगन रहा, वो थाली उठा कर फिर ले गई, तीसरा फिर कहा फिर ले आई, वो उसकी आदत को जानती थी, उसने क्या किया, उसे तो जो पटने के लिए दाल से उंगली लगाई, उसके दूर मिला, उसका फिर भी ख्याल न पड़ता है, वो थाली उठा के ले गई, जब जरा सा जबान का दाल का स्वाद आया तो कहने का पानी दाल में हाथ धो लो, पानी दाल में हाथ धो लू, संदर रोटी खाली है, देख लो ऐसे में तन फिर मन फिर वचन थे फिर तुम निर्देश हो कहें कबीर इस पल को कल में सारे को ये ऐसे में देख लो। हाँ चलो वैसे हाँ अगे बोल खड़ी बोल सुन करो, मेन चीज सुन बस याद रखो, ये ऐसा ऐसा बनता जल्दी का काम ही नहीं, कहते बनता नहीं, मन नहीं लगता, मन ने तो लगना नहीं, इसे मुकाबला रखो, इसको बताओ जरूर, कुछ भी हो लगे या ना लगे, भाव भाव आलस तुम जैसे भी है लगे रहो। हाँ हाँ जी, सिमरन की सुध क्यों करो जो इसमें डोर है, जो सुई में डोर है। हाँ सिमरण की सुध क्यों करो जो सुई में डोर, कहे कबीर छूटे नहीं चले और की ओर, सुई से सीता तांगा टूट जाता फिर कांस लेता है, बस यही है, इसे लगा रहे। सिमरण की सुध बदला भाई, ये धीरे का काम है, जल्दी का काम नहीं। हाँ धीरे है। हाँ धैर्य और दृढ़ता, आज बीज बोया और कल उसका फल चाहा, ऐसे अधीर पुरुष को कदापि दश नहीं मिलता, अगर जल्दी फल न मिले तो ये समझो कि पहले के किए गए पाप संकल्प अधिक हैं, परंतु वह नए पन पे संकल्पों द्वारा निश्चय ही प्राप्त होगा। जब तक हृदय के अपवित्र भाव न हट जाएं, तब तक हठ पूर्वक सेवा तथा सिमरण करते रहो। हठ पूर्वक हाँ। जिस तरह धूप में या अग्नि के पास बैठने से या पानी को हाथ लगाने से अंदर गर्मी या ठंडक का असर होने लगता है, उसी तरह सिमरन से लगने से अंदर प्रभाव जरूर होता है। भाव या कुभाव, आलस या उद्यम के साथ किसी तरह भी सिमरन करो, वह अपना प्रभाव डाले बगैर नहीं रह सकता। भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल सिद्धित हो, उलट पलट जप राम ही, टेढ़ा सीधा होए, या का फल नहीं जाएगा
कैसो ही लोग कोई डरे रहो बस। हाँ मालिक से मिलने के लिए मुद्दतें लगती हैं, जिंदगी में उसकी प्राप्ति की उम्मीद उन्हीं को हो सकती है जो दिन रात धैर्य और दृढ़ता के साथ उसके सिमरन और भजन में लगे हुए उसकी मेहर का इंतजार करते रहते हैं। अभी सुनाया था शमशेर का कि आदमी को इंसान बनने के लिए 100 साल चाहिए और फिर मुसलमान बनने के लिए, मोहन बनने के लिए गुरु कह लो 100 साल फिर चाहिए। हाँ हाँ जी हाँ, क्या बात है, तकलीफ आती है नहीं? सुनो भाई, नाम लेंगे अब वो ले जिसने फूल ठीक रखने हैं, नहीं तो इसी तरह खल निकलेगी, याद रखो। तो फौज तो भर्ती नहीं करनी। हाँ बस कह दिया, अंदर अंदर माफी मांगो, समझो ना, अंदर माफी मांगो। बोल देखो भाई, ऐसे कोई आते नहीं, जब डंडा चढ़ता फिर आते हैं। अंदर माफी मांग, दो दो चार चार घंटे भजन कर, चल फिर के कर, बैठ के कर, जैसे होता करो। हाँ बस तुमने तो बता दिया, करो। हाँ काम नहीं हो रहा क्या? क्या नहीं जड़ा जाता, क्यों फूल तोड़े हैं? तो बस फिर अब आएगी तकलीफ। हाँ सुनो भाई, इनका ये वो पीते हैं क्या नाम है, गांजा, इनको सुनो भाई, 800 साल आगे इनको बैठना पड़ता है, फिर इनकी सफाई होती है। ये पूर्ण ताकतों के वजह में तम्बाकू वैसे शत नहीं करते, लेकिन तम्बाकू हो ये गांजा हो, इसकी ऐसी मैंने करती हैं, आदमी को बदबू आती है। मालिक कैसे आए, मालिक कैसे आए, 800 साल खुद खुद के ऐसे निकालते हैं, फिर कहीं रूह साफ होती फिर जाती है, याद रखो। अच्छा हाँ छोड़ो, हाँ हाँ जी हाँ बोल रहे, चलो देव प्रसाद भाई देख लो, 800 साल एक प्रेमी था रानिया में। सुनो भाई, वो कहने लगा मेरे से तो ये छूटता नहीं, थोड़ी छुड़ाए तो छुड़ाए। शाम को मजलिस में मुसाई ने कहा भाई आज चौधरी चौधरी आगे आ जाओ आज में। कहने देखो भाई, आदमी को बदबू आती है बीड़ी पीने से, तो मालिक कैसे आएगा, वो बीमार हो गया पीने वाला। कहने लगा मुझे ऐसा पता चला कि मेरा पुर्जा पुर्जा खुला, फिर साफ किया फिर जोड़ा। बोल हाँ? देख लो, पुर्जा पुर्जा खोला है फिर जोड़ा है फिर सफाई हुई है, किसने बीमार रहा। हाँ जी हाँ बोल, हाँ जी बस लगे रहो, बोल लेना एक मिनट ना छोड़ो। हाँ राम में राम रटे बोल सर। हाँ हाँ ये लग रहना। हाँ जी हाँ हाँ प्रोग्राम बोल दो। तंबाकू इसके पीने से फेफड़े जिगर व दिमाग को नुकसान पहुंचता है, इसके अंदर निकोटिन नाम का जहरीला पदार्थ होता है जो खून में मिलकर शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाता है, खून में रोगों का मुकाबला करने की शक्ति कम हो जाती है, जिससे इसका सेवन करने वाले को रोग बुरी तरह से दबा लेते हैं। तंबाकू पीने से दमे जैसे रोगों के शिकार देखने को बहुत लोग मिलते हैं, इसके लगातार सेवन से आयु बहुत कम हो जाती है। डॉक्टर रेपांड जान हाइवेंस लिखते हैं, एक सिगरेट को पीने से
14 मिनट उम्र कम हो जाती है। जौन शक्ति पर विपरीत प्रभाव। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चर्म व यौन रोग विशेषज्ञ ने सिद्ध किया है कि लगातार 10 या इससे अधिक सिगरेट के 6 से लेकर 12 महीने तक सेवन करने से यौन शक्ति में कमी आ जाती है। इसके अलावा हृदय की धड़कन व नाड़ी की गर्मी साधारण अवस्था से बढ़ जाती है। सिगरेट का एक पैकेट प्रतिदिन पीने से 7 साल व 2 पैकेट प्रतिदिन पीने से 12 साल उम्र घटती है। देख लो, आज कल भी किसी ने कटिंग ला के दी अखबार की, वो आ रहा है सारी दुनिया की तुझी नहीं क्यों मैं हंस रहा हूँ चल नहीं बोल ये थोड़े बाद से निकले फिर उतरे बुरा हाल है, कुछ ना हाल है ना, नहीं है पता नहीं चीज है। हाँ बस भाई, हाँ जी हो भी हो है बड़ा फसे आज ही पूछो ना, आज हम सुनाए ले आए नहीं है कि ले आए नहीं। हाँ आ खड़ा कर भाई, नकली असली नकली नकली आ देखो भाई, आ नकली देख लो, ये बड़ा अच्छा है लागे से जाओ कर, कितना काम इसका होगा, मैं कभी झाड़ो कभी संभालो कभी ऐसे उलझी पड़ी देख लो, ऐसे उलझी पड़ी है देख लो, कितनी संभालोगे इसकी, मिट्टी में पड़े बस इसके कलाम बन गए। हाँ एक तो आगे दे, हाँ हाँ वही ना है, चंगी तरह डंडा चले फिर सुध के फिर ही देख ला फिर, ये तो भाई बहुत दुख से पाएंगे, काम सब ठप, काम ठप हो गया बस, फिर रोटी ना था बस और क्या, चाय पी लिया क्या रोटी ना था, क्यों भाई बच्चे छोड़ेगा तभी है, इंदर माफी मांगे ऐसे तो कुछ नहीं बनेगा बातों से। हाय हाय छोड़ दे सुन कर बस, और तो ठीक है, किसने गलती करनी, एक दफा गलती की कितनी दफा, उसका नुकसान कितना हुआ है, एक दफा ही गलती का पूछ लो कितना नुकसान हुआ है देख लो, जो सारा दिन करे उसका अंदर माफी मांग भाई, दो दो चार चार घंटे पर निकल तब ठीक है। सुनो कपड़े मैले करते खुद ही धोते हैं, फिर तो पहले ही मैला है, थोड़ा सा सिमरन से साफ हुआ फिर मैला हो गया फिर धोना पड़ेगा और क्या, याद रखो। हाँ सतगुरु ने मौज बना दी है जो तक खल निकल जाए है डॉक्टर दवा जवाब दे जाते हैं, कोई सज्जन नारा ना लगाए, भंडार में से किसी को नारा नहीं लगाना चाहिए। माफी मांगो साहब ठीक है, थोड़ी देर ठहरिए अभी प्रसाद बांटने वाला है, कितों आए जीन से हम तो कौन जानते, दो चार फिल्म हरियाणा चलो फिर से ठीक हो फिर जाएंगे, वहाँ था ना वो क्या नाम है उसमें
सुनो भाई, वहाँ वो क्या मेडिकल, गुप्ता मेडिकल स्टोर है ना, वहाँ गुप्ता मेडिकल स्टोर है ना, वो प्रेमी है और वहाँ सरसे की संगत से बेनती है कि सरसा दवाली और डेरा से जो प्रेमी आए हैं वो ट्रक 3 बजे ठीक यहाँ से चले जाएंगे, दोनों ट्रक सरसा वाले और जो डेरे से